मुझे लगता है जरा सा सुशील पंडित जी को लेकर आता है। सरकार की लाइन इस पर बिल्कुल क्लियर है सुशील पंडित जी कि बोली गोली साथ में चलेगी नहीं, और इसी वजह से सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेले। रोमाना जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पूरे पैनल में एक राय बन रही है और है भी। छोटी मोटी बातें अगर छोड़ दें, आप सोचिए पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे के राजदूत नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, और इस बात को अब 5 साल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में ट्रेड नहीं है, यहां तक के लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नहीं जाते पाकिस्तान। ऐसी हालत में और फिर आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं और उसके बीच में कोई लाहौर जाके क्रिकेट खेले, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस पर बहस की गुंजाइश कहां है। इस समय भारत को न केवल इस बात को ही खारिज करना चाहिए कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उन बातों को ऊपर गौर करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान बाज आए अपनी हरकतों से। इस समय भारत में वो तैयारी चलनी चाहिए कि पता चले पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसका खमियाजा क्या चुकाना पड़ता है जो वो कर रहे हैं। पिछले एक महीने में आप देखिए कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जिसमें एनकाउंटर्स ना हुए हों, जिसमें जाने ना गई हों, जिसमें हमारे फौजी हलाक ना हुए हों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और BCCI, बिल्कुल ठीक कहा आपने, BCCI चलाने वाले के पिताजी ने फैसला लेना है ये, जो कि देश चलाते हैं गृह मंत्री के रूप में। BCCI चलाने वाले ये फैसला नहीं देंगे। आपने जो कहा ना सर कि इसकी गुंजाइश ही कैसे बनी, दरअसल वो तैयारियां वहां पाकिस्तान में PCB कर रहा है। आरजू काजमी बताएंगी बेहतर तरीके से, मतलब PCB जो है वो लगता है मुझे अपनी किसी दुनिया में रह रहा है, एलिसन वंडरलैंड टाइप्स उनकी सोच कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है, या अगर उसे हिंदी में कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि बाकायदा वो इस तैयारी में है कि भारतीय क्रिकेट टीम आएगी और लाहौर में खेलेंगे जी, और 1 मार्च 2025 वो अपनी तैयारी लेकर ICC के सामने जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आरजू काजमी किस दुनिया में PCB? देखिए बिल्कुल इसी दुनिया में है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हमारे यहाँ टूर्नामेंट होना है तो जाहिर है हमें तैयारी तो करनी है। ये तो अब आने वाले जो टीम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ टाइम पहले जो है वो कई दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, और उसके टूर्नामेंट जो हैं वो इस्लामाबाद में थे, और ना सिर्फ ये कि भारत से गेस्ट आए थे बल्कि पाकिस्तान से भी कई लोगों ने अटेंड किया था। मैं और उसके बाद हमने बहुत सी दावतें, डिनर, लंच और क्या कुछ उन मेहमानों के लिए किया था। तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और भारत से टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं तो हमें क्रिकेट के टाइम पर आखिर क्यों ये सब बातें याद आ जाती हैं? या तो फिर हम किसी को भी ना भेजें, कोई भी टीम ना आए। यहाँ पे कबड्डी की टीम भी आ रही है, यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है, हमें बताया जाता है, एज अ जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक, आप जो सवाल उठा रही हैं मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुख करते हैं। जनरल सिवाच, यहाँ पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सप्लायर है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक नासूर है और इनके साथ हमें किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है क्योंकि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं। वरना तो सर ये आतंकवाद का जो जख्म है वो तो पाकिस्तान बार बार देता है, नापाक हरकतें पाकिस्तान उससे तो बाज आता नहीं है, फिर ये बाकी खेल और इनका सिलसिला पाकिस्तान के साथ जारी क्यों? ये पॉइंट उठाया है यहाँ पर आरजू काजमी ने। जनरल सिवाच, हाँ बिल्कुल, देखो रुमाना सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को बहुत बार मौके दिए गए कि आप आतंकवाद को भेदना बंद करें, मगर पाकिस्तान तो मांगने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो ISI है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नहीं चाहती भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों, और वो आतंकवाद का साथ लेने हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स। और दूसरा बात ये है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में
पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, वो रावलपिंडी, क्योंकि हर देश के पास आर्मी है पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश। तो अनफॉर्चुनेटली हो कह रहा है जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्रिकेट जैसा गेम, जो बात की रुमाना आपने भी और आरजू काजमी ने कि क्रिकेट पे क्यों, देखो क्रिकेट एक रिलीजन है भारत के अंदर और वो उसके व्यूअर जो हैं मैक्सिमम हैं, और ये सच्चाई है कि भारत न्यूट्रल जगह में खेल सकता है पर पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि ये गलत मैसेज भेजता है। इसका मतलब आप उसको जो टेररिज्म पाकिस्तान भेज रहा है भारत के अंदर, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अब अभी अगर आप देखें साउथ और पीर पंजाब, उसको आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो, उसको आप रेगुलराइज कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि सब ठीक है, ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों में एम्बेसडर होने चाहिए थे। तो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है, और ये कहना कि भाई स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, मैं इससे कतई मुआफिक नहीं हूँ। स्पोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी आर ऑन द सेम पेज। तो हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहे और हम वहां पर जाके क्रिकेट का मैच खेलें, ऐसा तो ये गवर्नमेंट नहीं होने देगी। और मुझे लगता है ये भावनाएं पूरे 140 करोड़ भारतीयों की है, वो नहीं चाहते कि अगर क्रिकेट हो, जब पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा, एक पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बन गया। देखो ये सच्चाई रुमाना, मैं एक बताऊं कि जो 100 आतंकवादी इंटरनेशनल हैं उसमें से 80 जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो ये सच्चाई है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेगा तब तक ये सोचना कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट का मैच खेलेगी, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है रुमाना। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा हम एक रिएक्शन लेते हैं। ABP News आपको रखे आगे।